हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल उत्तराखंडी व्लॉगर में। तो यहाँ पे मेरा रूटीन शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है ना, मैं कितने दिनों बाद गहरी नींद से जागी हूँ, क्योंकि नहीं तो एकदम जाके मेरा काम स्टार्ट ही नहीं होता था। बस लेटी रहती थी लेटी रहती थी। डॉक्टर ने शायद मल्टी विटामिन्स बढ़ा दिए हैं, तो शायद उस वजह से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे कंबल वगैरह तह लगा रही हूँ, कंबल, क्योंकि रात को कूलर से ठंडा लगता है तो कंबल चाहिए होती है। और कपड़े तो मैं बता ही रही थी आपको कि इतने दिन से धुल रहे हैं, बस जमा हो रहे हैं, यहीं पे जमा हो रहे हैं, कोई तह नहीं मारी, कोई कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले अपने घर को समेटते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह सही से रख दो, सब चीज़ ठीक से रख दो, उसके बाद ही और काम करने का मन लगता है ना। तो बिस्तर तो सुबह झाड़ दिया था। खैर, और देखो खांसी देख रहे होंगे आप मुझे कैसे, और शक्ल से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कैसी कंडीशन हो रखी है मेरी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तय लगा रही हूँ, और इतने मतलब 4-5 दिन के कपड़े ही इन्हीं में से बच्चों ने निकाले हैं, पहने हैं। कपड़े रोज़ धुल रही थी, ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं धुल रही थी कपड़े रोज़ कभी मशीन में शाम को धुल देते थे, कभी सुबह हाथ से ऐसे थोड़ा बहुत धुल देती थी। बट यही है कि तय नहीं मारे, प्रेस नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस स्कूल की ड्रेस सुबह ये प्रेस करके बच्चों को पहना देते थे, बस यही चल रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले अपने इन कपड़ों का ही काम निपटा दो, क्योंकि घर फैला हुआ ना कपड़ों से ही ज़्यादा लगता है, और तो सब सिमटा ही रहता है। तो बस यहाँ पे कपड़े तय लगा लिए हैं और इन कपड़ों को तय लगा, अब इन्हें संभाल भी दूँगी, क्योंकि अगर ऐसी तय लगा ऐसे रख दूँगी तो ये ऐसे ही रहेंगे फिर। तो चलो इन कपड़ों को संभाल भी देती हूँ, और तो जो जो झांके वो वहाँ रख दूँगी, और बिल्कुल ढंग से रखूँगी, नहीं तो अगर अभी मैंने आलस दिखा दिया ना, वैसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम करने का, पर क्या करें, करना तो है ही, और घर हमारा ही फैल रहा है, काम भी मेरे लिए बढ़ गया ना ये, अगर उस टाइम पे कर लेती तो इतना नहीं होता। बट क्या, अगर कंडीशन ही मेरी ऐसी थी, बिल्कुल मैं ऐसी नींद में थी कि क्या बताऊँ, बच्चों को लेने कैसे जाती थी, खाना कैसे बनाती थी, और भी काम कैसे करती थी, मुझे ही पता होगा। तो बस यहाँ पे सब कपड़े संभाल देती हूँ, और ज़्यादा मेरे ही फैले हुए हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे करते थे, वहीं से निकालते थे, उनको ही पहन लेते थे, वो धुले थे तो वही पहन लेते थे ऐसे, तो मेरे ही ज़्यादा थे। तो चलो संभाल दिए कपड़े अब अपना ये, और आजकल ना टेबल मैंने साइड में ही रख रखा है, सेंटर टेबल, क्योंकि वो दिन में भी हम यहीं पे सोते हैं सोफ़ा खोल के, और रात को तो खैर सोते ही हैं, क्योंकि अंदर वाले रूम में ना गर्मी होती है बहुत, और कूलर यहीं पर खिड़की से लगता है, तो इसलिए ये सोफ़ा आजकल वो टेबल मैंने साइड में ही कर रखा है। और हिम्मत भी नहीं हुई कि इसको इधर लाओ फिर उधर किसका, तो साइड में ही है, इतने दिनों से साइड में ही है। तो चलो अब अपना ये घर तो समेट गया है, और अब अपना झाड़ू पोछा स्टार्ट करती हूँ। तो इसके बाद झाड़ू लगा लिया था मैंने, और फिर इसके बाद मैं पोछा लगा रही थी, और मैं ब्लॉग में ऐसे ही नहीं बनाया मैंने बस वो, तो बस यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, और टेबल देख रहे होंगे आप साइड में है, तो टेबल आजकल वहीं पे उसका स्थान हो रखा है, साइड सेंटर टेबल साइड टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे पोछा लगा लिया। उसके बाद मैं ये कूलर वगैरह भी साफ़ करी थी, क्योंकि बाहर इतनी आंधी हो रही है आजकल ना, परसों बहुत ज़्यादा आंधी हुई थी, तो बस यहाँ पे मैंने कूलर वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। कूलर साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे वॉश बेसन धुलने। वॉश बेसन तो बच्चे इतना गंदा करते ना, वॉश बेसन तो मैं रोज़ ही साफ़ कर रही थी खैर, पर इतना गंदा करते हैं बच्चे की क्या बताऊँ। मेरा हनु ना पेस्ट के मतलब जो पेस्ट होता है ना उसके अंदर भी पानी डाल देता है, मतलब इतना गंदा करता है वो। तो बस यहाँ पे अगर उनके साथ खड़े ना रहो, और खड़े तो मैं आजकल रह नहीं पा रही थी, तो बस ये वॉश बेसन साफ़ कर दिया। इसके बाद भी बाहर मैं पोछा लगा लूँगी, और जब तक मैंने बाहर पोछा लगाया मैं नहाई, तब तक आ गए थे वेल्डिंग वाले भैया, जो कल मैंने बताया था ना ये बना के लाए थे, ये थोड़ा मतलब फिट नहीं बना हुआ था ना, तो ये आ गए थे, तब तक आ गए थे ये। तो बस ये जब आज काम स्टार्ट वो किया तो बस ये आ गए थे, फिर कम से कम आधा घंटा रहिए, फिर इन्हें चाय वगैरह बना के दी मैंने, और उसके बाद फिर लग गई मैं। बस मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लिया था, बहुत कूड़ा हो रखा था, फिर इसके बाद मैंने लगा लिया है पोछा, और अब कर दिया है यहाँ पे साफ़, और इसके बाद अब मैं चल जाऊँगी कपड़े धुल लूँगी अपने। तो कपड़े भी हाथ से ही धुल रही हूँ, आजकल गर्मी में ठीक लगता है मुझे हाथ से, क्योंकि इतने गंदे भी नहीं रहते, डेली के रहते हैं, पसीने की बदबू रहती है, सर्फ़ में भिगाओ और निकाल लो। तो बस, और जब ड्रेस वगैरह रहती है तो वो तो मैं स्कूल के वो मशीन में ही धुलती हूँ, मुझसे साफ़ नहीं होती, मेरे ना सर्वाइकल का भी पेन होता है इसलिए। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, और अभी 11 ही बज रहे होंगे शायद, 11 भी नहीं बजे, 11 बज गए होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा होगा।
तो बस कपड़े वगैरह धुल के अब इसके बाद थोड़ा रेस्ट, दवाई वगैरह खा के, नाश्ता भी मैंने कर लिया था पहले ही, सफ़ा मतलब जब वो आए थे ना भैया तो वहाँ की सफ़ाई मैंने तब की, पहले मैंने नाश्ता कर दिया था क्योंकि दवाई खानी थी। तो बस इसके बाद अब खाना पीना बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स 11:15 हो गए हैं, 11 बजे मेरा काम निपट गया था और फिर उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था उसकी एडिटिंग करी अभी तक, क्योंकि शाम को फिर कूलर वगैरह, बच्चों का हल्ला, ये सब रहता है और पता नहीं कंडीशन कैसी हो जाए शाम तक, क्योंकि अभी ना होने लग गया, अब ना हाथ पाँव कांपने लग गए, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खाना बनाने आई हूँ और कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना दही दही मतलब परसों जैसा हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, परसों फ्रिज ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर दही मतलब उस दूध की दही जमा रही थी मैंने, और इतनी दही कौन खाएगा, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना देती हूँ इसकी। तो कढ़ी बना देती हूँ और पकौड़ी बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं, अभी कढ़ी बना के रख देती हूँ, देखती हूँ क्या पता अभी बना दूँ, जैसा होगा। और फिर मैंने कढ़ी छोंक दी थी, मतलब छोंक ली, तो मैंने कहा चलो यार बना ही देती हूँ पकौड़े भी, दोबारा कौन किचन में आए। तो बस मैंने फिर कढ़ी छोंक के और कढ़ाई भी रख दी थी कि पकौड़ी बना ही लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा हन्नू नहीं खाता बिना उसके पकौड़ी के, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। तो बस पकौड़ी बना के और फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे और 12 बजे के लिए मेरा लंच तैयार हो गया था। तो लंच मेरा रेडी हो गया है और 12:20 पे जाती हूँ मैं हन्नू को लेने, 12:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो 12:20 पे निकलती हूँ और मैंने कहा 12 बज गए हैं तो तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो मैं लिपस्टिक आजकल लगाती नहीं क्योंकि मुंह कवर करके जाती हूँ, तो ये फ़ायदा हो गया, बट ये कि मांग तो भरनी है, सुहाग है। वैसे तो मैं भर लेती हूँ सुबह ही, बट आजकल तबीयत ऐसी है, तो बस हो गई हूँ रेडी। और बाल ना गीले गीले से लग रहे पसीने से, तो इसी के साथ अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।